Good morning, students. I am Afzal and I am going to tell you about subject verb agreement or subject verb compound. Subject verb agreement. जैसे कि इस heading के नाम से यह स्पष्ट है. Subject means क्या होता है? कर्ता होता है और verb means क्या होता है? क्रिया होती है. Agreement means क्या होता है? समझौता. Subject verb compound or subject verb agreement means होता है subject और verb के बीच अनुबंध समझौता. ये क्यों होता है? इसके लिए आप देखिए, verb in a sentence must always agree with the subject in number. A verb in a sentence, किसी भी वाक्य में और क्रिया को क्या चाहिए? Must always agree with the subject. किसी भी सेंटेंस में क्रिया को सब्जेक्ट से एग्री होना चाहिए, सहमत होना चाहिए, अवश्य सहमत होना चाहिए. क्रिया सब्जेक्ट के नंबर, सब्जेक्ट का जो नंबर है, तो किसी भी सेंटेंस में क्रिया को सब्जेक्ट के नंबर से एग्री होना चाहिए. इसी को सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट कहते हैं. मीन्स इफ द नाउन आर प्रोनाउन इन सब्जेक्ट इन सिंगुलर, यानी किसी सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर सब्जेक्ट है, देन वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, क्रिया को भी सिंगुलर होनी चाहिए. अगर किसी वाक्य में कर्ता चाहे वह नाउन हो या प्रोनाउन हो, यदि एक वचन में है, उस वाक्य में क्रिया को भी एक वचन में होना चाहिए. दूसरी बात, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट बी प्लूरल. यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में संज्ञा हो या सर्वनाम हो, संज्ञा या सर्वनाम यदि प्लूरल में है, बहुवचन में है, तो उसके वर्ब को भी बहुवचन में रखना चाहिए, लिखना चाहिए. दिस इज द सब्जेक्ट वर्ब कंपाउंड. एग्जाम्पल देखिए, द स्टूडेंट इज इन द ऑडिटोरियम. द स्टूडेंट क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है. जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर